उदाहरण 14। 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा काम करके बना सकते हैं। उसी दीवार को 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना लेंगे? हल: मजदूरों की संख्या व कार्य पूर्ण करने में लगा समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दीवार बनाने में 12 मजदूर 12 मजदूरों को 9 दिन गुणा 8 घंटे बराबर 72 घंटे समय लगता है। तो हमारे पास सबसे पहले 12 मजदूरों की संख्या जो होती है वो एक कार्य को 72 घंटों में पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार आगे यदि मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दे, अब यहाँ 12 की जगह मजदूरों की संख्या को दुगना कर देंगे, 24 कर देंगे। तो यदि मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दे तथा कार्य करने का समय घटाकर प्रतिदिन 6 घंटे कर दे और माना x दिन में दीवार पूर्ण हो जाती है, तो 24 मजदूरों को 6 घंटे गुणा x दिन बराबर 6x घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 24 मजदूर जो है वो उसी समान कार्य को 6x घंटों में पूर्ण करेंगे। अब आगे देखते हैं, चूँकि दोनों परिस्थिति में काम पूरा हुआ है अतः यह समय की गणना व मजदूरों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, जिसे हम निम्न इस प्रकार व्युत्क्रमानुपाती संबंध के रूप में लिख सकते हैं। मजदूरों की संख्या अनुपात पुनः मजदूरों की संख्या की संख्या समान अनुपात समय जो कि घंटों में है, अनुपात समय पुनः ये भी घंटों में है। मजदूरों की संख्या समान अनुपात समय मजदूरों की संख्या यहाँ 12 है पहले स्थिति में और फिर मजदूरों की संख्या दूसरे स्थिति में 24 है। समान अनुपात 12 मजदूर जो है इस काम को 72 घंटों में पूर्ण कर रहे हैं और दूसरी स्थिति में जो है 24 मजदूर है समान काम को 6x घंटों में पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ मजदूरों की संख्या और उस पर किया गया कार्य पर लगा समय व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, इसीलिए हम इसे लिखेंगे 12 बटा 24 बराबर 6x बटा 72, या इसे हम लिखेंगे तिर्यक गुणा करेंगे जब हम इसे, तो हमें मिलेगा 72 को जब हम गुणा करेंगे 12 से, तो 12 × 72 बराबर 24 को अपन तिर्यक गुणा करेंगे तो 6x × 24, या x बराबर 12 × 72 बटा पक्षांतर करेंगे 6 और 24 को तो 6 × 24। उसी तरह से हम यहाँ पे इसको काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। पुनः 2 को काटेंगे 2 एकम 2, 2 6 के 12, तो x का मान हमें प्राप्त हुआ x बराबर 6। तो 24 मजदूर समान कार्य को 6 घंटों में पूर्ण करेंगे, अतः प्रतिदिन कार्य करने का समय 8 घंटा से घटाकर 6 घंटा करने पर वह मजदूरों की संख्या 12 से बढ़ाकर 24 करने पर दीवार बनाने में 6 दिन का समय लगेगा। जब 12 मजदूर
एक दीवार को 72 घंटों में पूर्ण कर रहे थे, तो अब 24 मजदूर इसी दीवार को बनाने में 6 घंटे में ये कार्य पूर्ण करेंगे, यह इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण 15, 200 CFL बल्बों को 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर विद्युत व्यय 40 रुपये आता है। बताइए 48 रुपये के व्यय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितने CFL बल्ब जलाए जा सकते हैं। हल, माना 48 रुपये के कुल व्यय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से x CFL बल्ब जलाए जा सकते हैं। पहली स्थिति में दिया है कि एक बल्ब 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 6 दिन जलता है। एक बल्ब के जलने का कुल समय 6 × 4 = 24 घंटे, तो 200 बल्ब के जलने का कुल समय 200 × 24 घंटे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बल्बों के जलने का समय जो हो जाएगा वो 200 × 24 घंटे, यह है पहली स्थिति में। और जिसका जो व्यय है, इसका जो व्यय है वह 40 रुपये है। इसी तरह दूसरी स्थिति में 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से x बल्ब के जलने का कुल समय x × 15 × 3 = 45x घंटे। तो दूसरी स्थिति में 45x घंटे होगा। यहाँ पे इसका जो व्यय है वह प्रश्न अनुसार 48 रुपये है। यहाँ जैसे जैसे बल्ब जलने का समय बढ़ेगा विद्युत व्यय भी बढ़ेगा, यानी यह समानुपाती है। यहाँ बल्बों के जलने का समय घंटों में, पहली स्थिति में 200 × 24 बल्ब जो है उसका जो विद्युत व्यय 40 रुपये है, और 45x बल्बों का जलने के लिए जो 45x घंटों में इसका जो व्यय है विद्युत व्यय 48 रुपये है। तब हम इसे लिखेंगे 200 बल्ब जलने का कुल समय अनुपात कुल विद्युत व्यय अनुपात एक्स बल्ब जलने का कुल समय अनुपात कुल व्यय। यहां देखिए 200 बल्ब जलने का कुल समय हमारे पास 200 × 24 है, तो हम यहां लिखेंगे 200 × 24 अनुपात कुल विद्युत व्यय, यहां पे इसका 40 रुपये है तो ये 40, और यहां पे समानानुपात है तो समानानुपात एक्स बल्ब जलने का कुल समय जो है वह 45 एक्स है, अनुपात इसका कुल व्यय 48 रुपये है। अब इसे हम बटे में लिखेंगे तो 200 × 24 = 45x/48 या x = 200 × 24, तिरक गुणा करेंगे तो × 48/45, इसका पक्षांतर करेंगे तो 45 × 40, और इसको जब हम हल करेंगे तो इसका x का मान हमें प्राप्त होगा 128।
अतः हम ये कह सकते हैं कि 128 अतः 48 रुपए के विद्युत खर्च पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से x बराबर 48 बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो कुल बल्ब जो है हमारे 128 बल्ब जो है वो जलाए जा सकते हैं। यह इस प्रश्न का हल होगा।